दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप स्पेस में जाना चाहते हैं तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ या नहीं कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों इसरो ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है स्पेस ट्रैवल, जिसमें दोस्तों इंडिया में कुछ लोग ऐसे हुए जिनके पास माल वगैरह होगा वो दोस्तों स्पेस में सफर कर पाएंगे। इस तरह ही कुछ न्यूज निकल के आ रही है। आप दोस्तों जाना चाहते हैं स्पेस में इसरो के थ्रू, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स मॉर्निंग में। काफी जबरदस्त रियलमी 9i का दोस्तों अनबॉक्सिंग वगैरह किया है, तो जाइए वीडियो दोस्तों लाइव हो चुका है। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था कि भैया जो प्लूटो है वो उसका मतलब इन्वेंशन मतलब खोज कब हुआ था, तो दोस्तों 58% लोगों ने सही जवाब दिया 1930। आप दोस्तों कौन सा जवाब दिए थे, या आपको पता था दोस्तों प्लूटो कब आया नजर में, हमारे कमेंट में अपनी राय जरूर। तो चलिए दोस्तों पहली न्यूज की तरफ पढ़ते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप एक नया तरह का फीचर्स आने वाला है, मतलब दोस्तों हमारी गर्लफ्रेंड वगैरह कभी कभी नाराज हो जाती है और वो हमारे लिए स्टेटस लगाती है, लेकिन होता क्या है कि हम गलती से देख लेते हैं और उनके अंदर ऐठन आ जाता है एक तरह का कि भैया स्टेटस तो देख लिया, आप तो हमको कॉल करेगा मैसेज करेगा। लेकिन दोस्तों व्हाट्सअप हमारी बातों को सुन लिया और वो क्या किया है कि अब हिडन स्टेटस करके दोस्तों एक फीचर्स आएगा जिसमें हम किसी का भी दोस्तों स्टेटस को देख लेंगे तो पता नहीं चलेगा सामने वालों को कि हमने देख लिया। आपकी जो भी राय है, कैसा लगा आपको ये, कमेंट में अपनी राय जरूर। दोस्तों आप लोग सुनील मित्तल को जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो ये एयरटेल के फाउंडर है। इन्होंने दोस्तों ये कहा है कि 5G का दबदबा हमारे हाथों में होगा, समझ रहे हो, क्योंकि हम सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम खरीदने वाले 5G का। इस तरह की कुछ न्यूज निकल के आ रही है। आपका जियो का क्या होगा, कमेंट में अपनी राय जरूर। वही दोस्तों बात हो रही है 5G की, तो दोस्तों एक गुड न्यूज ये है कि 26 जुलाई को सारा 5G का जो भी दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है सब कुछ खत्म होने वाला है, मतलब कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद पैसा ही पैसा होगा, हमें देखने को मिल सकता है इंडिया में 5G। इस तरह की कुछ न्यूज निकल के आ रही है। आपके पास कौन सा फोन है अभी, 4G में या 5G में, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अमेजोन के एलन मॉस्क के थ्रू। ये भी दोस्तों क्या कर रहा है कि अपना एक इंटरनेट सैटेलाइट सर्विस शुरू करने वाला है दोस्तों अमेज़न। इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है, लेकिन ये क्या महंगा होगा सस्ता होगा, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं ठग लाइफ की, मतलब BSNL के। BSNL ने दोस्तों ये कहा है कि भैया 2024 में हम 5G लॉन्च करेंगे इंडिया में। इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है, मतलब एक होप तो दिख गया कि उससे पहले हमें 5G देखने को मिल जाएगा BSNL जब भी लाए। लेकिन आपकी राय क्या है, आप में से कितने लोग BSNL का दोस्तों कुछ भी यूज करते है, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब इंस्टाग्राम की। रील्स हमारा देखते हैं, अगर नहीं देखे दोस्तों तो यूट्यूब के अबाउट में जाइए, वहां पर हमारा दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों बात ऐसा है कि अब 15 मिनट तक का मौत को छू के टक से वापस आ सकता वीडियो बना सकता है दोस्तों, मतलब रील्स वगैरह में। इस तरह कोई न्यूज निकल के आ रही है। आपको क्या लगता है ये जो वीडियो अब हमें वहां अपलोड करना चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अमेज़न प्राइम डे सेल आज से शुरू हो जाएगा, 23 से लेके दोस्तों 24 तक का चलेगा। और बिग सेविंग डे सेल ये भी दोस्तों इसी के हिसाब से चलेगा, तो आज से दोनों को शुरू हो रहा है। लेकिन दोस्तों आज रात 10 बजे आने वाला है हमारा नया दोस्तों वीडियो अमेज़न प्राइम डे सेल पे, कौन कौन से फ़ोन पे क्या क्या ऑफर है, तो जाके ज़रूर देखिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि दोस्तों जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों वक्त होता है आपके सवाल लेने का। तो अभिषेक कुमार भाई का सवाल है कि इनके पास Redmi Note 10 Pro है लेकिन ओल्ड है या पुराना है, ये मेंशन नहीं किया है, उसमें डार्क मोड में रेड टिंट दिखाई देता है। तो देखिए कुछ नहीं करना, अगर ऐसा टिंट वगैरह दिखाई देता है तो आप सेटिंग में जाइए, डिस्प्ले में जाइए, कलर शेम में करिए, वहाँ पर कूल में कर दीजिए, आपको रेड टिंट जो है देखने को नहीं मिलेगा। वैसे आप क्या कर सकते हैं, अगर नया आपका डिवाइस है तो थोड़ा दिन यूज़ करिए, आपका रेड टिंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। हमारा भी हुआ था, अभी रिमूव हो चुका है, तो टेंशन मत लीजिए। वैसे अगर वारंटी में तो एक बार जाके आप दिखा सकते हैं सर्विस सेंटर। चलिए दोस्तों बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग का M04 ये जो फ़ोन है दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, Geekbench पर लिस्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों कौन से प्रोसेसर के साथ आएगा कोई पता नहीं है। वहीं दोस्तों सैमसंग का Z Fold 4 इसका दोस्तों पंच होल डिस्प्ले के साथ दोस्तों देखने में आ रहा है, और इस बार बेजल्स दोस्तों काफी पतला होने वाला है। आपको क्या लगता है कितना किडनी मांगेगा, आपका किडनी, दादा का किडनी, सबका किडनी ये अकेला फोल्ड ले लेगा कि जो भी राय है कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं वन प्लस की। वन प्लस का S Pro इंडिया में बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, 8th जनरेशन वन प्लस प्रोसेसर के साथ। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। आप दोस्तों वन प्लस पे थोड़ा भी आप बिलीव वगैरह करते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं मोटो की। मोटो की तरफ से दोस्तों मोटो रेजर फोल्ड, वही दोस्तों मोटो रेजर 3 और दोस्तों मोटो S30 ये दोनों फोन दोस्तों 2 अगस्त को लॉन्च होने वाला है दोस्तों चाइना में। इसकी टीजर पेज वगैरह आ चुकी है, इंडिया में दोस्तों कब तक आएगा और दोस्तों
इस बार ये फोल्ड करके हमें कितना किडनी का बलिदान देना पड़ेगा, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब रेडमी की। रेडमी का दोस्तों MIUI 14 का दोस्तों कोड नेम बाहर आ गया है और बहुत सारे डिवाइस में आने वाले हैं, उसका वीडियो कल मिलेगा। लेकिन दोस्तों MIUI 14 हमें देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। वहीं दोस्तों बात करते हैं रेडमी का K60 सीरीज। ऐसा बताया जा रहा है कि ये भी फोन दोस्तों बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसमें दोस्तों 2K डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलेगा और 50 मेगापिक्सल का OIS सेंसर देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है ये फोन कितने जल्दी लॉन्च होगा, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं पोको की। कल मैंने बताया था दोस्तों कि रेडमी का Note 10S ये कहीं ना कहीं दोस्तों लिस्ट कर दिया है रीब्रांड करके। तो दोस्तों पोको का M5 ये जो फोन है दोस्तों इंडिया के आज BIS में लिस्ट हो गया, बहुत ही जल्दी दोस्तों देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है रेडमी Note 10S का कहीं ये रीब्रांड तो नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं रियलमी की। रियलमी का दोस्तों तरंगी न्यूज है। रियलमी का दोस्तों रियलमी वायरलेस 2S ये जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा और ऐसा बताया जा रहा है कि 26 जुलाई को दोस्तों ये लॉन्च हो जाएगा, जब दोस्तों इनका टीवी वगैरह लॉन्च होगा। लेकिन टीवी से पहले दोस्तों इनका जो मॉनिटर है, जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है, वो दोस्तों लिस्ट हो गया है फ्लिपकार्ट में। 10,700 रुपये इसका प्राइस बताया जा रहा है। 23 से 24 इंच का दोस्तों इसका डिस्प्ले साइज है और बहुत ही पतला बेजल्स है। आप लेना चाहेंगे दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं वीवो की। वीवो का Y35 ये जो फोन है दोस्तों स्नैपड्रैगन 680 के साथ बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों वीवो का आता जाता है पता नहीं क्या होता है, एकदम हीरोपंथी टाइप। आपको जो भी लगता है अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट। चलिए दोस्तों बात करते हैं इनोवेशन की। एक ऐसा कंपनी दोस्तों हमारा इंडियन ब्रांड लावा तावा छावा और माइक्रोमैक्स कुछ करता नहीं है, बस चिपका पे दोस्तों बेच रहा है। लेकिन बात करते हैं इन्फिनिक्स की। ये दोस्तों एक चाइनीज़ ब्रांड है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये एक चाइनीज़ कंपनी है। ज़्यादा इसका फ़ोन वगैरह बिकता नहीं है लेकिन फ़ोन ये लॉन्च करते रहते हैं। हमारी तरह व्यूज़ आता नहीं है लेकिन हम वीडियो बनाते रहते हैं उसी तरह दोस्तों ये इन्फिनिक्स जो है ऐसा बताया जा रहा है कि 3D वीपर कूलिंग चैम्बर पर दोस्तों काम कर रहा है और मोबाइल का जो दोस्तों टेम्परेचर है उसको 3 डिग्री तक ये कंट्रोल कर सकता है, मतलब घटा सकता है। अगर ये चीज़ दोस्तों आ गया हमारा शॉमी तोमी में तो फ़ोन हिट ही नहीं होगा। आपको ये टेक्नोलॉजी कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर। तो दोस्तों टेक न्यूज़ होती है ख़त्म। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल का सब्सक्राइब करिए और कोई भी सवाल है कमेंट में ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।